गुड मॉर्निंग दोस्त। गाइस होटल को छोड़ने का समय है, अब यहाँ से निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। अब वहाँ का जितना भी जैसा भी अपडेट होगा आपको देख रहे हैं। ललक निकल रहे हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ के उसके बाद बस पकड़ के निकलना है भुवनेश्वर के लिए। कितना समय लगता है वहाँ पर जाने के बाद? निकाल लियो निकाल लियो। सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी ज्यादा। और आज का हमारा सफर है उड़ीसा के एक खूबसूरत शहर भुवनेश्वर, जिसको मंदिरों का भी शहर से नाम भी जाना जाता है। पुरी से उड़ीसा की दूरी 63 किलोमीटर था। पुरी से बस पकड़कर मैं भुवनेश्वर के लिए चला और 1.5 घंटे का सफर कब कट गया पता नहीं चला। रास्ते इतने बढ़िया और ठंडी हवाएं सफर को और ही खूबसूरत बना दी है। उसके बाद मैं नंदन कानन जू पर विजिट करने के लिए भी गया। तो इधर कौन सा टाइगर है? ये व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर। सफेद भी है? सफेद सब है। बढ़िया बढ़िया मिलेगा। बड़े टाइगर के बच्चे अभी कैसे हैं? सब है। आप कितने दिन से यहाँ पर हो? 25 साल से। तो हमारा प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? लोकल। चलो बढ़िया है। तो गाइस मुझे बाबू भी आप दिखाएंगे कहाँ के रिजर्व पार्क के बारे में। ये गाइड है मेरे, तो देखते हैं क्या उनसे कौन कौन से जाना रहे अंदर। ये 1200 एकड़ में फैला हुआ। 1200 एकड़ में? अच्छा। जिन का कारण एक माँ का दो भाई पैदा हुआ, एक व्हाइट हुआ एक ब्लैक हुआ, इसलिए उसको ब्लैक टाइगर हमने कहा। Let's see elephant. सामने
40 मिनट।